गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल क्या होता है। तो एक्सेल जो होता है वो हमारा एक वर्कशीट कहलाता है, ठीक है। उसे हम वर्कबुक या वर्कशीट बोलते हैं। ये किस में डिवाइड होता है, इसमें रोज और कॉलम्स होते हैं, उसमें ये डिवाइड होता है, ठीक है। तो रोज़ क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं, जैसे देखिए ये हमारी वर्कबुक ऐसे शीट बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये हमारे कॉलम्स होते हैं, ठीक है, इन्हें हम कॉलम्स बोलते हैं। और फिर इधर वाली जो होती है ये हमारी रो कहलाती है, ठीक है। तो ये जो हमारी हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, कॉलम्स होते हैं। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम रोज बोलते हैं, ठीक है। स्टिक, तो आज आपको हम एक्सेल ही पढ़ाएंगे। एक्सेल में आपको कई सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल हम स्टार्ट कैसे करते हैं। तो या तो फिर आप सबसे पहले एक्सेल को हम टू टाइप से स्टार्ट कर सकते हैं। या तो पहले हम कहाँ जाएं, स्टार्ट बटन में जाएं, ठीक है, वहाँ पे मेनू ओपन करें, और प्रोग्राम में जाएं, फिर वहाँ से एमएस ऑफिस पैकेज में जाएं, फिर एमएस ऑफिस पैकेज से एमएस एक्सेल सेलेक्ट करें और फिर उसको ओपन कर लें। या तो फिर एक सिंपल तरीका, अगर हमारे आइकन्स डेस्कटॉप में आइकन्स जो होते हैं छोटे छोटे, उसमें अगर हमारा एक्सेल पड़ा हुआ है तो डायरेक्ट हम आइकन में जाके डबल क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो देखिए जब हमारा एक्सेल ओपन होगा तो उसकी वर्कशीट कुछ ऐसे दिखेगी, ठीक है। ये हमारी ब्लैंक वर्कशीट या वर्कबुक है, इसको हम वर्कबुक भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए ये जो हमारी फर्स्ट है लाइन, ये जहाँ पे एमएस एक्सेल लिखा, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। क्या है, टाइटल बार है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका नेम शो होता है, इसलिए इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। और फिर इधर देखिए ये A1 है, इस पर हम नेम राइट करते हैं, नेम बॉक्स इसको बोलते हैं। ये जो है ये हमारी रोज़ हैं, रो हेडिंग, ये क्या है, ये हमारी फार्मूला बॉक्स है या फार्मूला बार है, ठीक है। ये कॉलम्स होते हैं और यहाँ से हम कई सारी सीट लेते हैं, ठीक है, सीट 1, सीट 2, कई सारी 3 सीट्स हम एक एक्सेल शीट में ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारी जो होती है जहाँ पे मेनूज के नेम दिए होते हैं, ये क्या होती है, ये मेनू बार होती है। और यहाँ पे जब हम किसी भी मेनू में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारे टूल्स ओपन हो जाते हैं, तो हमें इजीली सारे टूल्स दिखाई देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर होम मेनू ओपन है तो यहाँ पे होम मेनू में कौन कौन से टूल होते हैं वो सारे आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे साइड में जो लगी होती है इसको हम स्क्रॉल बार बोलते हैं, जिससे हम पेज को अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इधर ये जो स्क्रॉल लगी होती है इससे हम पेज को लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है। सेल, अब सेल क्या होती है, तो जो हमारे सेल जो होती है वो बेसिक कंपोनेंट होता है वर्कशीट का, जहाँ पे हम डाटा को इंटर करते हैं। यानी ये जो हमारा बॉक्स है ये हमारा क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। यानी द इंटरसेक्शन पार्ट्स ऑफ रो एंड कॉलम, यानी जहाँ पे रो एंड कॉलम एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ का जो बॉक्स बनता है उसे हम सेल बोलते हैं, वो हमारा सेल कहलाता है, ठीक है। तो ये है ना, जहाँ पे हम डाटा इंटर करते हैं वही हमारा सेल होता है। और हर एक सेल का अपना एक सेल एड्रेस होता है। सेल एड्रेस कैसे बनता है, रो और कॉलम के नेम पर ही हमारा सेल एड्रेस बनता है। जैसे ये हमारी रो कहाँ पे है, बी में है, और रो कौन सी है, 3 है, और कॉलम क्या है, बी, तो इसलिए इसका सेल एड्रेस B3 हो गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे है रेंज, ठीक है। तो रेंज क्या है, रेंज जो होती है वो ग्रुप ऑफ एडजॉइन सेल्स, यानी कई सारे सेल्स को ज्वाइन करके जो ग्रुप बनता है उसे रेंज बोलते हैं, ठीक है। कॉलम हेडिंग, कॉलम हेडिंग जो होती है उसमें हम कॉलम की हेडिंग डालते हैं, वो ABCD कई सारे अल्फा जेड हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो XYXFD इस तरीके से डिवाइड होते हैं हमारी कॉलम हेडिंग, हम इनको कॉलम हेडिंग बोलते हैं। सेम एज ऐसी रोज होती हैं 1, 2, 3 करके, तो इस तरीके हम ये हमारी कितनी रोज होती हैं, ये हमारी रोज होती हैं, ठीक है, ये इतनी सारी हमारी रोज होती हैं और इतने हमारे कॉलम होते हैं, ठीक है। आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि हमारे पूछेगा आपसे हाउ मैनी कॉलम्स इन आवर वर्कशीट, एम एस एक्सेल वर्कशीट, तो आपको बताना पड़ेगा कि 16384 हमारे कॉलम्स होते हैं और हमारे जो ये रोज होती हैं वो 1,48,576 रोज होती हैं। नेम बॉक्स क्या होता है, नेम बॉक्स जो होता है वो रिबन के जस्ट लेफ्ट राइट में, लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में रिबन होता है। तो
तो रिबन के साइड में बॉक्स होता है, नेम बॉक्स, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम कोई भी जिस हम सेल में करेंटली वर्क कर रहे होंगे उस करेंटली सेल का वहाँ पे एड्रेस शो करेगा या उसका नेम शो करेगा। फॉर्मूला बार क्या होती है, फॉर्मूला बार जो होती है उसमें हम कई सारे फॉर्मूला राइट करते हैं। मान लीजिए हमने सेल वन में ए वन में टू लिखा और बी में बी थ्री में फोर लिखा, तो अब जो हम इसको फॉर्मूला अगर हमें बोल दिया कि इसे ऐड करिए, तो हम फिर उसमें फॉर्मूला बार में जाएंगे, वहाँ से सम का फॉर्मूला निकालेंगे और दोनों सेल को ऐड कर लेंगे। तो फॉर्मूला बार में हमारे कई सारे फॉर्मूला दिए होते हैं। शीट टैब क्या होता है, शीट टैब जो होता है वो स्टेटस बार में शो होता है। अभी मैंने दिखाया ना वहाँ पर कितने 255 जो वर्कशीट्स होती हैं हमारी, ठीक है, कितनी वर्कशीट 255 वर्कशीट्स होती हैं और शीट टैब हमारे 3 शीट टैब्स होते हैं, ठीक है। वर्कबुक एंड वर्कशीट में क्या डिफरेंस है, जो वर्कबुक है वो फाइल क्रिएट करती है एक्सेल में। व्हेन यू ओपन एक्सेल, जब आप एक्सेल ओपन करते हैं, विंडो दैट अपीयर्स इन अ वर्कबुक, तो जो हमारी विंडो होती है वो वर्कबुक में शो होने लगती है, तो उसी ही हम वर्कशीट या वर्कबुक बोलते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ डाटा इन एक्सेल, एक्सेल में कितने टाइप के डाटा होते हैं, टेक्स्ट होता है, वैल्यूज़ और फॉर्मूला, यानी हम टेक्स्ट राइट करते हैं जिसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, लेटर्स हो गए, अल्फ़ाबेट हो गए, ठीक है, सारे हम टेक्स्ट में यूज़ करेंगे। वैल्यूज़ में हम डेट, नंबर्स, ये सारी चीज़ें डालेंगे और फॉर्मूला में हम कई भी सारे कैलकुलेशन से रिलेटेड फॉर्मूला डालेंगे, ठीक है। इंटरिंग डाटा, डाटा हम इंटर कैसे करेंगे, तो जब हमको डाटा लिखना होगा तो उसके लिए हम सेल में जाकर क्लिक करेंगे और उसके बाद वहीं पे डाटा राइट करने लगेंगे। जब हमारा डाटा कंप्लीट हो जाएगा तो हम इंटर की प्रेस कर देंगे, किस लिए, ताकि डाटा स्टोर हो जाए। नंबर ग्रुप, नंबर ग्रुप क्या होते हैं, नंबर ग्रुप में कई सारे नंबर्स दिए होते हैं, उनको आप ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं, जैसे आपका डेसिमल नंबर हो गया, परसेंटेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें रहती है। सेलेक्टिंग सेल, अगर आपको सेल सेलेक्ट करना है तो क्या है, एक तो सिंपल फॉर्मूला है, आप जाइए डबल क्लिक करिए आपकी सेल सेलेक्ट हो जाएगी, या तो फिर टू सेलेक्ट अ सिंगल सेल, सिंपली क्लिक ऑन द सेल। अगर आपको एक सिंगल सेल सेलेक्ट करनी है तो आप सिंपल जाके वहाँ पे क्लिक करिए और बॉर्डर विल अपीयर अराउंड द सेल, तो एक बॉर्डर दिखाई देगा। अभी मैंने बताया था कि जैसे ही आप सेल क्लिक करोगे तो उसमें एक मोटा सा बॉर्डर ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, ब्लू कलर का, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी सेल जो है वो सेलेक्ट हो गई है। या तो फिर आप माउस से ड्रैग करके सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, या तो फिर आप कंट्रोल की प्रेस करिए, ठीक है, होल्ड करिए और पूरी सेल को, सारी सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। या तो फिर आप केवल रो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इंटायर रो में जाइए, रो हीडर में जाइए और सारी रो सेलेक्ट कर लीजिए। सेम एज अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है तो कॉलम ऑप्शन में जाइए, कॉलम हीडर में जाइए और सारे कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए। फिर सेविंग अ वर्कबुक, तो वर्कबुक हम कैसे सेव करेंगे, सेम एज जैसे हम एमएस वर्ड में करते थे, सेम एज हम एक्सेल में भी करेंगे। क्लिक ऑन द फाइल टैब, सबसे पहले फाइल टैब ऑप्शन में जाएंगे, फिर सेव ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, वहाँ से फिर अपना नेम टाइप करेंगे और उसको सेव कर देंगे। और अगर हमें उसी फाइल को अदर नेम से सेव करनी तो सेव एप्स, सेव एज ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे दूसरा नेम राइट करेंगे और फाइल को अपनी सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सेव क्वी, जो फाइल हमारी सेव हो जाती है उसको ओपन करने के लिए हम ओपन ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग अ वर्कबुक, वर्कबुक कैसे क्रिएट करेंगे, अगर हमें कोई एक वर्कबुक चाहिए तो उसके लिए हम फिर से फाइल टैब में जाएंगे, बैक स्टेज व्यू ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, उसे ओपन करेंगे, क्लिक का न्यू ऑप्शन, न्यू ऑप्शन में जाएंगे तो हमारी एक्सेल की विंडो वहाँ पे दिखाई देगी। चूज अ डिज़ायर टेम्पलेट, वहाँ से कोई भी एक अच्छा सा टेम्पलेट हम सेलेक्ट करेंगे और हम अप्लाई कर देंगे तो हमारी एक्सेल में वर्कबुक आ जाएगी, ठीक है। एग्जिटिंग फ्रॉम एक्सेल, तो अगर हमें, जब हमारा वर्क कम्प्लीट हो गया और हमें एक्सेल से एग्जिट करना है तो हम उसके लिए क्लोज बटन साइड में रेड कलर की दी होती है वहाँ से कट कर देंगे तो हम एक्सेल से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। या तो फिर हम कहाँ जाएं, फाइल टैब में जाएं, वहाँ पे क्लोज ऑप्शन आता है, वहाँ पे क्लिक कर दें तो भी हम फाइल से एग्जिट हो जाएंगे, ओके। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से रीड करिएगा, देन इसकी एक्सरसाइज को फिर सॉल्व करिएगा, ओके।